नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं कोलकाता में हूँ। आज मैं स्विस होटल कोलकाता के में रुका हुआ हूँ और मैं आपको यहाँ पर जो मैंने आज देखा है, जिस स्टोन के बारे में मैंने सारी जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये स्विस होटल जो है कलकत्ता की बहुत फेमस होटल है। इसमें मैं यहाँ पर आज रुका और मैंने दिन भर आज घूम के मैंने पता लगाया कि यहाँ पर कोलकाता में किस तरह का मार्केट है। तो कोलकाता वासियों को कल भी मैंने बहुत बहुत बधाई दी थी। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये, देखिए यस, यहाँ पर मैंने देखा है कि इस होटल के बाहर जो लग के जो मॉल है, उस मॉल के बाहर मैंने देखा है कि शाबाद स्टोन लग रहा है। यस, आज का मेरा टॉपिक भी शाबाद स्टोन ही है और शाबाद स्टोन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डालूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। शाबाद स्टोन उन्होंने कितनी खूबसूरती से पूरे मॉल के बाहर कोलकाता में लगाया हुआ है। देखिए आप, ये पूरा फ्लोरिंग उसी की लगी हुई है, उसके बाजू में जो वॉल है उसके ऊपर लगी हुई है, फिर ये जो ये स्टेप्स है, राइजर स्टेप्स सब उसके लगे हुए है। और उस रफ शाबाद स्टोन को पॉलिश करके उसके ऊपर लेदर फिनिश करके कितना शानदार लुक लाए। ये 4-5 रुपए फिट की लादी है जहां से ये निकलती है, जहां से ये कर्नाटक के वहां से निकलती है। ये सामने जो बिल्डिंग के दीवार के ऊपर, पूरा उस दीवार के ऊपर आगरा रेड लगाया हुआ है। ये भी एक स्टोन है। स्टोन के बारे में लोगों को अनेक तरह की भ्रांतियां होती है। सस्ता पत्थर होता है, हम इटालियन लगाएंगे, हम टाइल लगाएंगे, हम ग्रेनाइट लगाएंगे, लेकिन देखिए ये फ्लोरिंग, देखिए ये फ्लोरिंग, यस ये पूरी शाबाद स्टोन की है। इसके ऊपर वर्क किया गया है, इसके ऊपर लेदर फिनिश करके इतना खूबसूरती से जिस भी आर्किटेक्ट ने ये किया है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस आर्किटेक्ट को आज प्रणाम करना चाहूंगा कि उसने बहुत ही शानदार ढंग से ये काम किया है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरे मॉल में, कोलकाता के इस सबसे बड़े मॉल में, पूरे मॉल में फ्लोरिंग यही लगी है और ये स्लिप भी नहीं होता है। इसके ऊपर लेदर फिनिश किया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो, हाँ ये दीवार बताना चाहता हूँ, इस दीवार के ऊपर आपने जगह जगह ग्रेनाइट लगे हुए देखे होंगे, इटालियन मार्बल लगे हुए देखे होंगे, लेकिन आज ये स्टोन लगा है, वो भी आगरा रेड। और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, 15-20 रुपये उसकी वैल्यू राजस्थान से ये निकलता है, 15-20 रुपये फिट में। आज पूरी ये 5-7 माले की जो बिल्डिंग है उसको बाहर से चारों बाजू से ये आगरा रेड से इन्होंने भर दिया है। बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और ये स्टोन की विशेषता ये भी है, ये पानी पी लेता है। यस, ये देखिए आप कितना, ये आगरा रेड जो है रेड कलर का पत्थर होता है, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर उधर ये बहुत निकलता है आगरा साइड में। और इसका कीमत जो है 15-20-25 रुपया वहाँ की रेट रहती है। लाने का जो खर्चा रहता है वो अलग रहता है, यहाँ पर इसमें GST अलग रहता है। तो एक छोटी सी चीज को किस तरह से आप सुंदर बना सकते हैं, ये इसमें क्लियर क्लियर अपने को दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग आज कोलकाता में, कल मेरा सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग पहुँच गए होंगे, उड़ीसा, झारखंड, आसाम और बिहार और कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लोकल लोग उसमें बहुत सारी संख्या में आ रहे हैं। मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जिस तरह से फ्लोरिंग में स्टोन को लगाकर और ये यहाँ पर इतना खूबसूरती से जो काम किया है शाबाद स्टोन को, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह के बिजनेस को सीखिए, करिए। और ये देखिए ये इधर जो ये क्यों लगाया जाता है गार्डन एरिया में, पानी के एरिए में, खुले एरिए में स्टोन को, क्योंकि वो पानी को सोख लेता है, जल्दी सोख लेता है। इसलिए न तो ग्रेनाइट सोखता है, न मार्बल सोखता है, वहाँ अपने को साफ ही करना पड़ता है। लेकिन मैं जब यहाँ पर देखा इस मॉल के बाहर, तो इसमें चारों तरफ सिर्फ स्टोन से देखिए आप कितनी अच्छी डिजाइन बनी है। ये स्लोप है, यहाँ पर लोग स्लिप नहीं हो जाए उसके लिए पट्टी को काट काट के इस तरह से शेप दिया है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इस मॉल में जो काम हुआ है उसे देखकर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि लोग ज्यादा खर्चा करके भी इतनी सुंदरता नहीं ला सकते। इतना खर्चा करने के बाद भी
लोग इतनी सुंदरता नहीं ला सकते हैं। मैंने आज यहाँ कलकत्ता के अंदर पूरा दिन बिताया है, कल मेरा सेमिनार स्टार्ट हो रहा है, और ये सारा चीज बताने का मेरा एक उद्देश्य ये है कि कम से कम छोटी से छोटी वस्तु को भी आप अगर यूज करना जानते हैं तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोलकाता के इतने बड़े शोरूम, ये इस मॉल के बाहर जिस तरह से स्टोन लगाया है वो देख के मुझे बहुत ही खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि जितने देश के युवा हैं उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, बिजनेस करिए। सिर्फ पढ़ाई करके किसी दूसरे के बिजनेस को संभालने के लिए ही अपनी एनर्जी और अपने टैलेंट को मत लगाइए। यस, आप अगर किधर सर्विस करते हैं तो वो किसी न किसी के दूसरे के बिजनेस को संभालने के लिए करते हैं, और अगर आप अपना बिजनेस खुद करेंगे तो आप ज़्यादा उसमें से पैसा कमा पाएंगे, ज़्यादा फ्री टाइम मिल पाएगा, ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, और देश को एक तरह से अपन सब मिलकर लाभ पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कोलकाता वासियों को, पूरे पश्चिम बंगाल और ये नॉर्थ ईस्ट और यहाँ जो लोग कल मेरे सेमिनार में भी आने वाले हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि कोलकाता, इस पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और झारखंड, बिहार, इस एरिया में बहुत पोटेंशियल है बिजनेस की, तो सिर्फ जरूरत है तो हमारे युवाओं को आगे आने की। मैंने जो स्टोन का, जो 4-5 रुपए फिट का स्टोन, 20 रुपए फिट का स्टोन के अंदर वर्क करके किस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ाई है, वो काम मैं भी करना चाहता हूँ। आप आइए, मैं आपकी मदद करके आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ट्रेनिंग देकर, मेरा खुद का मार्बल ग्रेनाइट का फैक्ट्री है, मेरे गोडाउन है, टाइल्स मेवाड़ की हमने मोरबी में बनाई है, तो आप उसका लाभ लीजिए। इसी तरह मैं आपकी मदद करता रहूंगा। देखते रहिए मेवाड़ मार्बल के वीडियो। थैंक यू वेरी मच।